बहुत परेशान हो रहे हैं मैडम, क्या तो हम जानते हैं कब हमारी आत्मा जानती है। सड़क के पास जाते हैं तो हमारे डंडे मारते हैं, पल्ला खाली है, पेट में कुछ आहार नहीं। अरे हमारा बच्चा छोटा छोटा भूख मरता है, जापे वाली लुगाई भी भूख मरती है। गरीब आदमी सर को रोजगार है ना, घर वहाँ घर पे बैठा खाने को कुछ है नहीं। राम राम जी, मैं खुशबू झलको झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज आप पूछा झुंझुनू शहर के अंदर 12 नंबर वार्ड में, 12 नंबर में ज्यादातर आप देखा तो लुहारा की बस्ती है, लुहार ही लुहार बस रही। तो आज आप अड़े पूछे हाँ देखा कि आका के हालात हैं के हालात नहीं ही। चैनल पर नया हो चैनल ने सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, वीडियो है अंत तक जरूर देखो। अंदर तो हमारे है नहीं, अनपढ़ आदमी है, मजदूर लोग मजदूरी मार को मिल रही नहीं है, घर बैठे खाएंगे भी क्या, ये मजबूरी है हमारी। तो अभी जो यहाँ पर देखा पिछली बार कुछ बमा सा निकल के आया, कुछ खाने पिछली बार तो शायद कुछ खान पीन को मिल दियो। हाँ पिछली बार तो और भी मिला है, कोई भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। अबकी बार कोई थाने कोई अनाज के कुछ भी दियो? कुछ ही नहीं मिला है। हम रोड पर बैठने वाला आदमी, हमारे को कोई बैठने नहीं देता है वहाँ पे, जो हम क्या करेंगे। ये सब भाई लोगों भूख मर रहा है, हमको रोजगार बंद कर रखा है। कलेक्टर के पास जाते तो हमारे को बाहर भगाते हैं, भूख मर रहा है कह तो हमारे को कुछ कर देंगे नहीं। हम तो ले की जोड़ी झंडा और झुंड में निकल जाएंगे रोड के ऊपर, मारेगा तो मार खा लेंगे, रोटी देगा तो रोटी खा लेंगे, और हमारे को कोई सुनाई हो रही नहीं है। हम तो रो रो की कह दिए है, संस की कह दिए, 3 महीना से सब लोग घर पर बैठे, बंद रोजगार है, बंद नौकरी है, कुछ भी साधन नहीं है। हम लोग गरीब आदमी, हमारे पास खेत नहीं है, कुआ नहीं है, बाड़ी नहीं है, अनपढ़ हमारा बच्चा है, कोई का नौकरी नहीं है, हम लोहार गाड़िया हाँ, हम बहुत परेशान में हाँ, हमारे कुछ भी खाने पीने न कुछ भी नहीं है। पहली लॉकडाउन के माँ तो हमारे को सरकार खाना दिया था, अभी खाना हमारे को मिला नहीं है, और हमारे को बहुत परेशान, हम गाड़िया लुहार हाँ, उसमें क्या गाला, हमारा धंधा बंद कर रखा है, कुछ हमारे साधन नहीं है, छोटे छोटे बच्चे अनपढ़ बच्चे भूख मर रहे हैं। आपको बहुत 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 धन्यवाद, हमारे को दाल रोटी को साधन करे तो। साहब 5 किलो गेहूं मिला और कुछ नहीं मिल रहा सरकार की वजह से, और कर्जो सिर हो रही हो, कर्जो कर करके अब दुनिया कर्जा भी कता है दीवाना, दिए को नहीं कर्जा, रोज का 500 रुपया लगता है। ये छोटे डब्बर भी था रही है, दो ही तो है, हाँ दो ही तो, अब रोज का 500 रुपया लगा कहाँ से लिया, वहाँ अब दुखी रोटी बनाई है, अभी कसा का मिर्च भी नहीं है, मिर्च हुआ तो भी खा लिया। कोई भी चीज के लिए माना ना तंगी ऐसा तंग कर रखा, कोई चीज की सहायता को नहीं, सब्जी के लिए भी हमारे को साधन नहीं है, बहुत हमारी कंडीशन खराब हो रही है, कोई कुछ क्या मालूम हमारे को, बहुत मालूम बहुत हमारी, 2 महीना में हमारे बच्चे भी घर पर बैठे हैं, बच्चे भी घर पर बैठे हैं, बहुत बड़ी कंडीशन खराब हो रही है। जो हम सबको लोग को ऐसे खड़े हैं, तब तो हमारे को लोहारा की सुनाई कर दो, नहीं झुंड में कलेक्टर आपको आके फांसा करवा देगा। बहुत कंडीशन खराब हो रही है, बहुत हो रही है, बहुत हो रही है, हमारे भूख लग लग की, हम देखो हमारे इतने अपने 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 सब भूख मर रहे हैं, कोई सुनाई नहीं कर रहा हमारी। मैडम सब्जी भी नहीं है मैडम, आटा भी नहीं है, पैसे भी नहीं है हमारे पास में, होएगा तो खा लेंगे, नहीं हम चोरी नहीं करेंगे मैडम। पूरे 50 घरों की कॉलोनी पूरी भट्टी देख लो आपके सामने खड़ी है, कोई भी मजदूरी पर नहीं, हमारी है ही नहीं मजदूरी, कहाँ से दया वो करेंगे देखना कैसे। अब ये देखो ये छोटे छोटे बच्चे, इनके ना तो कपड़े है ना खाने है, जाते तो कर लेते नहीं, बैठे रहती है या कंडीशन हो रही है, मतलब पानी पुणी की सुविधा तो मिल रही है इनका, 70 रुपया लगता है 1 महीना का, कब आती है कब नहीं आती है, मोटरा से खेच खेच की लाते है, आंकड़े खेच की लाते है, पानी नहीं खोलते है, जब कोई पानी है नहीं नहीं है हमारे पास, पैसा नहीं देना जरा पानी कौन खोले, आग ले कर भी लाइट बढ़े बेगार भी बढ़े, चाहे 10 दिन पैसे लेट हो जाए तो 10 दिन पानी बनाई रहा हमें, आयल की कंडीशन कर रखी है, हम करेगा भूख मर जाएगा तो करेंगे क्या, ऐसे अरे मजदूरी भी बंद हो गए, हमारे बच्चे भी घर पर बैठे है, जी क्या करेंगे बताओ, ऐसे बताओ, कुछ करेगा तो हमारों को समझाएगा, 10 बार आगे कोई सुनाई नहीं कर रहे हैं, देखो ये कमाऊ बैठे ये बैठे 150 रुपये लेते हैं शहर जाके, वो भी खत्म हो गए, आधे कनेक्शन काट दिए आधे जुड़ रहे, वो भी लास्ट में लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद में कभी 9000 का बिल आएगा,
कभी 10,000 का क्या लॉकडाउन मजदूरी हो रही है। 10,000 का होगा, 10,000 बिल होगा, 9,000, 10,000, 6,000, 3,000 ऐसे ही आता है। एक घर को अल्टपू आता है बिल। अब लॉकडाउन में कमा नहीं रहे, कहाँ से देंगे आपको? डंडे पड़ेंगे। 15 दिन उसको जेल में बिठा दिया, उसके मम्मी पापा उसके पीछे पीछे हाँड़ रहे भूखे तर से, वो क्या करेंगे? अब ये सभी लोग बोल रहे कि कोरोना की बीमारी है, कोरोना की बीमारी। हमारी कास्ट में कोई कोरोना वाला इंसान कोई नहीं, कोई मरा ही नहीं है, तुम कैसे मान लेंगे कोरोना की बीमारी है? देखो जी, बीमारी तो है, बीमारी है तभी तो सब कुछ बंद हो रही है। तो ये कि भाई थारा दिक्कत आ रही है तो थारी मदद होनी चाहिए। अब मान लो कोरोना की बीमारी हो गई, आप बता रहे हो कोरोना की बीमारी है, चल कोरोना की वजह से हम घर पे बैठ गए, हमारे पास खाने के लिए नहीं है, खाने के लिए ना मजदूरी भी नहीं है, तो अगर खाना नहीं मिलेगा तो फिर वैसे मर जाएंगे, मरेंगे ना, बस भूख मर के मर जाएंगे ना। जो थारे वारंट का भी है, वारंट वासी है, मतलब कि कोई भी थारो कोई बड़ी आदमी है वो मदद को, वो खत्म हो गया अभी 5-7 दिन पहले, एक ही आदमी था वो खत्म हो गया। जी की बने सांसद जी ने कोई नहीं बिल्कुल भी होगी, बिल्कुल भी नहीं खाया, ये कोई आता ही नहीं है देने के लिए कि तुम सब्जी ले लो, तुम राशन ले लो, तुम पानी ले लो, तुम तेल ले लो, तुम चून ले लो, कोई भी नहीं हमारे पास आया है। कलेक्टर साहब कने गया है, जो 12 बॉडीगार्ड खड़े रहता ना फुले से, और डंडा लेकर गाड़ी लेके हमारा पीछे भाग गया। हम तो डरती 5-10 जनी गई थी, जो बाजी कोई गली में पड़ी, कोई नाली में पड़ी, रो रहा कि हमारा घर ले लिया सर। कोर्ट में गया ना जना, कोर्ट में हमारे गल पुलिस भागी, बोले रुको थाने रस न रुपया मे दिया, 10-15 लुगाई गई, अब भूखा मरती तो हंड आएगी बावड़ा दिया, 10-15 ना टावरा ना गोदी में ले लेके गई, अयान की धूप के माई ने भागी, पाछा पुलिस 10 पुलिस है ना हमारे गैल होगी, जो कोई नली में पड़ी, कोई पारिक में पड़ी, कोई क्या में पड़ी, अब को डंडा को भी डर लग गए, भूख को भी डर लग गए, जरा थे बताओ मैडम जी मैं क्या करा, जा मैं तो यहाँ खा, मैं तो धंधो करना निकलागा, चाहे भैया मरो चाहे भैया मरो, मौत तो हमारी आ ही रही है, चाहे भूखा मरो चाहे तिशाया मरो चाहे भैया कोरोना से मरो, सब अनपढ़ हाँ, बेरोजगारी हाँ, बेरोजगारी धंधा कोई मजदूरी नहीं है, सरकार नौकरी की कौन दे रही, 12 क्लास कर ली, कम से कम चपरासी की तो नौकरी दे ना, अरे 3-4 बच्चा में पानी पी पी के पढ़ाई, लेकिन बने को चपरासी की भी नौकरी कौन दे सरकार, ये अद्रुगति कर रखी है, और पाछा का दूसरा पढ़ाओ, दूसरा कड़े से पढ़ावा, मरका पढ़ावा के पंडेड़ा में तो घर बैठा हमारे, अभी ये थोड़ा बार भी करेड़ा मैडम जी, कम से कम चपरासी की तो नौकरी दे ना, घर में झाड़ू पोता करके पेट भरता, बहु और खो गया, भूख मरता मरा के करा, मन झाड़ू पोता करना भी, अब झाड़ू पोता करने भी कौन जावा, के करा मैं, अब भूखा मरता मराएंगा, वरता ना यो हिस्सो करता, खरी कमाई करके खाता, 2 साल होगी लोहारा ना वाफड़ा ना घरा बिठा दिया, रोड का ऊपर कोई धंधो को नहीं कर दी, वाफड़ा खाए के नाना नाना टांगन लिया हो तो खाली ना मैं क्या रहा हूँ ढूंढ रहा हूँ मैं क्या खाऊं। मेरी रिक्वेस्ट इतनी है कि नरेंद्र मोदी तक यह बात पूछनी चाहिए कि सबको गरीबा को भला होना चाहिए, कौन है की? क्योंकि लेडीज साल भी राशन मिलो पर इस टाइम के ऊपर राशन कुछ भी को नहीं मिलो, लेडीज वगैरह सब कलेक्टर के ने गई, जब कलेक्टर के ने गई ना तो कलेक्टर के ने बड़ा राशन लेने गई तो भी उसके पीछे पुलिस ले रही है, जब उसमें अच्छा नहीं है, क्योंकि मेरे तो ये रिक्वेस्ट है कि जब भी सभी जो यहाँ झुंझुनू जिले के अंदर जो गाड़ियाँ लुआ रहे ना उसी का सभी का भला होए, बाड़ रोड पर ही कौन दिया, क्या तो टावरा को पेट कैसे भरो हो, के करा तो एक टेप मिलती दो टेप भी कोनी, दो टेप मिलती है कि कोई, हां जी गेहूं को दलियो दल के खावा, के करा कठे है गेहूं का भी कोई पहली का लेड़ा है, मैं खावा बनी उठ जाएगा जना भूखा रहंगा, कड़े हूं लेवा कौन दे मान मंगेड़ा कौन दे, कोई पॉजिटिव भी पाए गए इनके लोग, एक भी कौन ना मैं कड़े जावा कौन डरता, और के मतलब सैनिटाइजर भी करियो केड़े सैनिटाइजर, एक बार दवाई छिड़कना जरूर आया है, और मास्क वगैरह, मास्क बांटना कौन दिया हमारे, और अभी जैन देखो जो कोविड वाले जो कोरोना काल चल रहे का टीकाकरण हो रहे इंजेक्शन लग रहे हैं बैठे लगवा लिया, लगवाया और कई की उम्र को नहीं बनी बह को नहीं लगवाया, अच्छा अच्छा हाँ आंटी थे लगवा लियो, हाँ लगवा लियो, अच्छा कई दुनिया आप 15-20 तो लगवा लिया और बाकी का की उम्र नहीं, उसका आधार कार्ड दे क्या, तो आधार कार्ड देख के उसको तो मना कर दी, और जिसकी उम्र ही उसका लगा दिया, आया को माना बुढ़ा ने टॉयलेट करवा के दियो, अब मां ससा लियो जाना कमायो जाना कठे से लियावा, बैठन न जगाना उठन न जगाना दूसरा का घर कौन बैठन दी, वक्त दुआ के करवा के दियो गवर्नमेंट अगर कोशिश करके
आया खावा मैं तो अब रोड पर जाके मैं क्या कर लिया बूढ़ी बूढ़ा। मम्मी पापा बूढ़े हैं, एकदम बूढ़े हैं, वो खाट में हैं। भाई है भी नहीं, एक दोराव है ना भी कमाए ना ना। मैं तीन बेटी हाँ कुमारन वाली झाड़ू पोछा करके राया करा, वे काम वाली कोई ना बुला रही भी नहीं। अब मैं खाने के लिए भी भूखी बैठी हूँ। मेरा पापा ना ना इतनी से मतलब बेचारा ना ना चाय भी गूँ दे सका मैं ये टाइम पर चाय है ना। अभी आप देख सकते हो मेरे घर पर जाकर, बहुत गरीब आदमी हम लोग, हमारी सहायता होनी चाहिए। ये वीडियो के बारे में थारा क्या सुझाव में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओ। वीडियो है लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर नया हो चैनल ने सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। जय हिंद, जय झुंझुनू।